see that Arduino is just blinking and it is by using solar panels. एक्चुअली होता क्या है कि जो हमें कनेक्ट करना होता है वो उसको हमें पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ता है और ये इसके अंदर का नेगेटिव टर्मिनल यानी एनोड और कैथोड दोनों को 5 वोल्ट से और एक को GND जो मैंने अच्छे से डायग्राम में समझा रखा है उससे कनेक्ट करना होता है, जिस वजह से ये सोलर पैनल का इलेक्ट्रिकल पावर आर्डिनो में चली जाती है और इसके थ्रू ये ग्लो करने लगता है। इसमें अगर आप चाहो, अगर आपने उसको किसी भी सिस्टम से कनेक्ट कर रखा है, सपोज़ हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर या फिर किससे भी कनेक्ट कर रखा है, हम इस पावर प्लग का यूज़ कर सकते हैं। इस पावर प्लग से कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली और वही सेम प्रोसेस एनोड और कैथोड इधर लगा देंगे, इससे ये आर्डिनो सोलर पैनल की मदद से ग्लो हो जाएगा। और ये ग्लो होने के लिए कम से कम 5 से 7 वोल्ट लेगा, जो कि आपको एक अच्छे से सोलर पैनल में मिल सकती है। आप मार्केट में जाएंगे वो सोलर पैनल कम से कम 150 to 200 में तो आ ही जाएगा। और इस प्रोसेस में हमने सेम बज़र के साथ भी ये किया था, जैसे कि ये बज़र है हमारा, इसको हमने कनेक्ट कर दिया था पॉजिटिव टर्मिनल्स को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, जिस वजह से वो बज़र में से अच्छा ग्लो मिल रहा था। और ये सब सनलाइट पे डिपेंड करता है कि आपकी सनलाइट कितनी इंटेंसिटी से आ रही है। सपोज़ अगर वो 1000 की इंटेंसिटी से आती है तो अभी जैसे कि आपने देखा वैसे ग्लो करेगा, वैसे आवाज़ आएगी और वैसी आर्डिनो वर्क करेगा। अगर वो लेस देन 1000 से आती है तो बहुत आगे चल के दिक्कत हो सकती है, इस वजह से आइटम्स में लेस एनर्जी मिलने की वजह से फ्यूज़ भी हो सकते हैं। तो तब ट्राई ना करें, बाद में जब जाके जैसे कि 1000 या 2000 हो जाए तभी ट्राई करें, जिससे आपको एनर्जी तो मिलेगी साथ ही साथ में आपका पावर प्लांट भी वर्क करेगा। और इस पावर प्लांट को मैंने 5 साल में ट्राई किया था, 5 साल तक ट्राई करने के बाद ये सीखा था। इस पर भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा पूरी डिटेल में, फ़िलहाल अभी के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है वो आप देख सकते हैं। ये बैटरी है, सनलाइट पावर प्लांट और ये सोलर प्लांट। ओ, LED को टेस्ट करना है तो आप LED के लिए कम से कम 4 या 5 वोल्ट वाली LED खरीद सकते हैं, जो कि मार्केट में 5 या 10 रुपए में आ जाती है। बढ़िया वाली होगी तो 10 में आएगी और 5 वाली थोड़ी सी फ्यूज़ भी हो सकती है, मतलब गारंटी नहीं होती इसकी। ये LED का एनोड होता है, ये कैथोड होता है, इस वजह से इन साइनों को मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है इन बारे में, पर खैर इसको छोड़ते हैं। इसमें फिर ये इसको कनेक्ट करेंगे हम डायरेक्टली मेन स्विच से, जो कि आपको जैसा दिखाया था पहले मैंने, ऐसा कुछ ऐसा था। इसके एक अंदर घुसे, एक अंदर लगाएंगे और एक बाहर कनेक्ट करेंगे। आप चाहो तो इसे खोल भी सकते हैं, इसे डायरेक्टली कट करके और 2 वायर्स निकलते हैं रेड और ब्लू, उससे कनेक्ट कर देंगे। मैं कट वाला सीन बाद में दिखाऊंगा, पहले आपको वैसे समझा देता हूँ। अगर आपके पास ये एक आउटपुट जो कि पिन फॉर्म में है, तो हम इस USB पोर्ट से इसको LED को कनेक्ट करते हैं, तब ये मोर देन 5 वोल्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी 5 वोल्ट से कम हुई तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या फिर पोटेंशियल वोल्ट कंज्यूम नहीं कर पाएगी, इस वजह से वो फ्यूज़ भी हो सकती है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप 6 या 7 वोल्ट वाली LED कंज्यूम करें, इस वजह से ये ग्लो कर पाएगी, आप देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, ये मैंने सोलर पैनल दोबारा से आपको दिखाने के लिए निकाला है, और इसमें इस बार मैं आपको इससे आर्डिनो में चला के दिखाऊंगा। और LED चलाई थी पर वो देखते हैं चलती है कि नहीं, फ्यूज हो गई थी मेरे हिसाब से। आप धूप को देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, नहीं मेरे हिसाब से तो जल जानी थी LED, बजर भी जला के दिखाऊंगा। तो ये मैंने बजर लिया है, इसको इसके नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, आप देख सकते हैं। Now we connect with this.
You can see the buzzer is blowing very fast and louder. The sunlight reflecting more faster due to this process. Now I will show you how to glow the using Arduino. I connect with this and terminal is on. Now you can see light is glowing. I can show you that Arduino is also glowing. You can see. Light of Arduino, you can see easily, and it cuts out.